नमस्कार मित्रों, हम सब लोग पुण्य का भागीदार बनना चाहते हैं, परंतु बेलपत्र का पौधा लगाना पसंद नहीं करते हैं। अभी सभी लोग जल्दी से जल्दी लगा लीजिए ताकि साबुन का महीना आ गया है। बेलपत्रों का पौधा घर पर लगाना शुभ होता है, हम सब जानते हैं। इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी लगा लीजिए। अगर महादेव जी और को प्रसन्न करना चाहते हो या खुश करना चाहते हो तो बेलपत्रों का लगाना हर तरह से शुभ होता है, परंतु इसका नुकसान अगर आप जानेंगे शायद ही आप लगाएंगे या नहीं, ये तो आपका ही इच्छा। इसको मेरिट डिमेरिट दोनों तरफ ही है, मतलब इसको फायदा नुकसान दोनों ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको फायदा। इसे घर पर लगाना, घर में जो नेगेटिविटी होती है वह चली जाती है और घर में शुभता आती है, पॉजिटिविटी आती है। और कांटादार पौधा जो है घर में नहीं लगाना चाहिए, किंतु बेल का पत्र लगाना शुभ होता है। बेल का पत्र आप लगा सकते हैं, अगर घर पे जमीन नहीं है तो गमले में आप लगा लीजिए, जैसे कि मैंने लगा के रखा है। गमले में आसानी से उग जाता है या सर्वाइव करता है। मैं इसको बीजों से ग्रो किया, 5 साल हो गया। अभी इसका हाइट 7 से 8 फीट का ऊपर हो गया और पत्ते भी बहुत ही अच्छा लाइस्क्रीन हरा भरा, ना कोई टूटा फूटा एक पत्ते भी है। जब हम तोड़ के पूजा में चढ़ाते हैं या यूज करते हैं, बहुत ही मन में प्रशांति से भर जाती है, खुशी होती है। पुण्य मिले या ना मिले ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन बहुत मन का प्रशांति मिलती है। तो कैसे लगाए इसको, जैसे कि हम और पौधा लगाते हैं, जैसे मिट्टी या कोकोपीट सैंड, ऐसे पॉटिंग मिक्सचर अच्छी तरह बना लीजिए ताकि वाइल्डनेस हो सके। जब हम सिंचाई करें तब पानी जल्दी से जल्दी ड्रेनेज आउट हो जाए। तो अपने हाथों से लगाया हुआ पौधे से जब हम ईश्वर को चढ़ाती है, पूजा करती है, तो एक मन में एक अलग सा प्रशांति मिलती है। दिन भर मन में कुछ एक आनंद अनुभव होती है। और दूसरा जो है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें बहुत सारे है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खास करके शारीरिक जो पेन होता है, जैसे जोड़ों में दर्द होता है, तो उसमें बहुत ही फायदेमंद है। और इसको जो पक्का फल होता है बहुत ही सुस्वादु है, और कच्चे फल में ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। और हरियाली भी भरा रहेगा तो हमारा आई साइट भी ठीक रहेगा और परिवेश भी शुद्ध रहेगा, परिवेश दूषण भी कम होगा। तो क्यों ना हम सब मिलके एक खाली स्थानों में एक पौधा लगा ले, नहीं तो यह पार्क में लगा सकते हैं। लेकिन अब इसका आते हैं नुकसान क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। हम सब लोग पुण्यों की लालच में दूसरों के पेड़ में पत्र तोड़ने चले जाते हैं, या तोड़ने के लिए तोड़ के लेके आते हैं। पत्रों के साथ साथ टहनी व टहनिया भी तोड़ लेते हैं, पेड़ को बहुत हानि पहुंचता है। ये नहीं सोचता है क्या, दूसरों ने लगाया आराम उतना सब तोड़ ताड़ के लेके जा रहा है, इतना इसको हानि पहुंचा रहा है, ये कोई नहीं सोचते हैं। जो पौधों के जो ओनर होता है, जैसे हमारा आंगन में भी एक लगा हुआ है, तो पौधों की जो ओनर होता है उनका तो आधी रात जागना ही पड़ता है। हर 10-15-20 मिनट में उनको चिल्लाना पड़ता है कौन है कौन है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे ही चर चर आवाज आती है। पत्तियां तोड़ने का, टहनियां तोड़ने का, पत्तियां तो तोड़ते ही है और बड़े बड़े टहनियों में भी तोड़ के रख के जाते हैं, लेके जाते हैं। ये नहीं सोचता है पेड़ को भी बहुत दुख पहुंच रहा है, और जो ओनर है वो लगाया है उनको भी बहुत दुख हो रहा है। तो पता नहीं ये ऐसे जो चोरी छुप के लेके जाता है, ऐसे पूजा में जो पत्ती यूज होता है उससे पुण्य मिलता ही है का नहीं मिलता है, ये तो ईश्वर ही जाने। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो मुझे ठीक नहीं लगता है, तो उससे अच्छा घर पर लगा लीजिए एक एक, ये मेरा विनम्र गुजारिश है।
और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसको जो केयर पार्ट है मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी, अगर जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मेरे साथ रहे और आप लोग भी खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।